हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का इंग्लिश रीडर का चैप्टर सेकंड। चैप्टर का नाम है द स्विंग। स्विंग मतलब होता है झूला। तो ये पोयम जो है सेकंड चैप्टर में इस बारे में है, एक झूले के बारे में है। इस पोयम के पोएट हैं रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। ये किसने लिखी है? रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने। अब पोयम कैसे होती है? तो पोयम में क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो लाइन के लास्ट में आते हैं और सेम साउंड करते हैं। जैसे सेकंड स्टैंजा में क्या दिया है, अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल। और थर्ड लाइन में क्या दिया है, रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल। तो वॉल एंड ऑल सेम साउंड करते हैं। तो ये दोनों क्या हुए, राइमिंग वर्ड्स हुए। और क्या दिया है, वाइड साइड। और थर्ड स्टैंजा में दिया है ब्राउन डाउन। ये सब क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो अब हम पोयम को स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू। मतलब आपको कैसा लगता है जब आप झूले में होते हैं और ऊपर की साइड जाते हैं, ऊपर बिल्कुल हवा में, जो कैसी होती है, ब्लू। तो आपको कैसा लगता है जब आप स्विंग में, मतलब झूले में होते हैं और ऊपर जाते हैं? ओ आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब जो सबसे ज्यादा अच्छा हो, सबसे ज्यादा खुशी दे, सर्व सुखदाई, तो वो सब क्या होता है, प्लीजेंट थिंग। तो मुझे क्या लगता है कि वो सबसे प्लीजेंट थिंग होता है, सबसे अच्छा चीज होती है जो एक बच्चा कर सकता है। एवर अ चाइल्ड कैन डू मतलब जो एक बच्चा कभी भी कर सकता है। अब सेकंड स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल टिल आई कैन सी सो वाइड। मतलब मैं ऊपर जाता हूँ हवा में और दीवार के भी ऊपर। ओवर द वॉल मतलब दीवार के भी ऊपर। Till I can see so wide, कब तक ऊपर जाता हूँ, जब तक मैं बहुत wide, मतलब बहुत दूर दूर तक ना देख सकूँ, तब तक ऊपर जाता हूँ। जब आप झूले में बैठते हैं तो जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप दीवार के भी ऊपर हैं और आप बहुत दूर दूर तक देख सकते हैं। Rivers and trees and cattle and all over the countryside, मतलब वो क्या बोल रहा है, मुझे जब तक ऊपर जाना है स्विंग में, जब तक मैं क्या क्या ना देख लूँ, रिवर्स, नदियाँ, ट्रीज, पेड़ वगैरह और कैटल, मवेशी वगैरह, जो जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस, ये सब, तो वो सब ना देख सकूं। मतलब मुझे इतना ऊपर जाना है कि मैं वहां से ये सब देख सकूं दूर दूर तक। ओवर द कंट्री साइड मतलब उस क्षेत्र में, उस एरिया में जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी ट्रीज हैं और जितने भी कैटल्स वगैरह हैं, वो सब मैं जब तक ना देख सकूं तब तक मुझे ऊपर जाना है, उतना ऊपर जाना है। Till I look down on the garden green, और कब तक ऊपर रहूँगा, जब तक मैं नीचे वो green garden ना देखूँ। Down on the roof so brown, मतलब जब वो नीचे आएगा, अभी तो उसने बताया कि जब वो ऊपर जाता है तो वो क्या क्या देखना चाहता है, अब वो बोल रहा है कि जब वो नीचे आएगा तो क्या देखेगा, नीचे उसको पूरा green green, मतलब green ऐसा लगेगा कि पूरा green garden है। Down on the roof so brown, रूफ कैसी होती है, रूफ मतलब होता है छत, और छत वो, ये कहाँ की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र की, मतलब एक गांव की। तो गांव में कैसी छत होती है, वो खपरेल वगैरह होती हैं, तो वो कैसी दिखती है जब हम नीचे आते हैं, ब्राउन कलर की। तो वो बोल रहा है कि जब मैं नीचे आऊं तो मुझे ग्रीन गार्डन दिखे पूरा, और जो मैं छत देखूं वो उसे कैसे दिखेगी, ब्राउन कलर की। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, मतलब वो बोलता है ये सब देख के मैं फिर से ऊपर जाऊं, फिर से हवा में ऊपर जाऊं और उड़ के। मतलब स्विंग में जब आप बैठे रहते हैं झूले में तो आपको ऐसा लगता है आप उड़ रहे हैं, तो वो बोलता है कि मैं फिर से हवा में जाऊं ऊपर उड़ के, और फिर ऊपर जाऊं और फिर नीचे जाऊं। तो इस पोयम में क्या बताया गया है, एक झूले के बारे में, कि जब हम झूले में बैठते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, तो सबसे प्लीजेंट थिंग होता है, मतलब सबसे अच्छा, अच्छी चीज होती है जो एक बच्चा कर सकता है। सारे बच्चों को झूले में झूलना पसंद होता है, और वो जब ऊपर जाए तो उसको क्या क्या दिखे, उस
में जितनी नदी हैं, जितने पेड़ हैं, जितने कैटल्स वगैरह हैं, वो सब उसको दिखें। और जब वो नीचे आए तो उसको पूरा नीचे कैसा दिखे, गांव में तो बहुत खेत होते हैं, सब कुछ होता है, तो कैसा दिखता है नीचे पूरा ग्रीन। और वहाँ की जो छत होती हैं तो वो कैसी होती हैं, ब्राउन कलर की। तो उसको जब वो नीचे आए तो उसको ग्रीन गार्डन दिखे पूरा और छत दिखे ब्राउन कलर की, और वो वापस से फिर ऊपर जाए और फिर नीचे आए। तो यही एक्सप्लेन किया गया है इस पोयम में। थैंक यू।